पाकिस्तान हम सबका हम सबका हम सबका पाकिस्तान हम सबका हम सबका हम सबका पाकिस्तान। मारूफ इवेंट ऑर्गेनाइजर आर के रजा और बिलाल गुजर की तरफ से लाहौर के मकामी हाल में जश्न आज़ादी म्यूजिकल एवार्ड शो का इनकार। लाहौर से देखो सुनो टीवी के नुमाइंदे फैसल शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर की तरह लाहौर में जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाया गया। इसी मुनासबत से इवेंट ऑर्गेनाइजर आर के रजा और बिलाल गुजर ने लाहौर में प्लाक हॉल में जश्न आज़ादी म्यूजिकल एवार्ड शो का अहतमाम किया। इस तकरीब में पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री से मुंसलिक और मीडिया के नुमाइंदों समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें मारूफ बिजनेसमैन टिकटॉक स्टार मलिक काशिफ जमीर जब्बार गुजर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इनके अलावा समाजी शख्सियत यासीन गाजी, भंगड़ा किंग सिंगर नासिर बराज, गुलफाम गोल्डन, शेरू बाबा सिंगर सज्जाद शाह नरोवाल, सिंगर इमरान नियाजी, टिकटॉक स्टार मियां शहबाज शरीफ, सुहाना सायरा, फिजा मलक, मॉडल गुल मलक, ब्यूटिशन शाजिया रानी, मॉडल रमज़ान खां, कलीम शहजाद, इफ्तखार चांद, टिकटॉक स्टार जिद्दी राना, सहाफ़ी फैसल शहजाद और आसिफ रजा समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर फिल्म साज जब्बार गुजर की सालगिरह और यौम आज़ादी का मुश्तरका केक भी काटा गया। पाकिस्तान एक हमारा आज़ाद मुल्क है, माशाल्लाह, जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो बहुत मज़ा आया आज के इवेंट का, बहुत से दोस्तों ने सपोर्ट किया हमें, जैसे कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बिलाल गुजर हो गए, आसिफ मिर्ज़ा और अपना इसके अलावा बहुत से दोस्त हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान नियाजी जो कि हमारे होस्ट हैं, कहते हैं होस्ट होना तो एक इवेंट को उठाने वाले और गुलाने वाले होस्ट ही होते हैं। अरे देखने वालों को आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? आज 14 अगस्त है तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि निकले सारे निकले 14 अगस्त मनाए। देखें मैं तो जब भी 14 अगस्त आती है मैं तो पूरी तैयारी, जैसे ईद की तैयारी होती है ना उससे बढ़ के मैं 14 अगस्त की तैयारी करती हूँ। मेरी जश्न आज़ादी मुबारक को तमाम दोस्तों के साथ मिलजुल कर सेलिब्रेट किया करें, बच्चों से प्यार किया करें। और आपको पता है कि हम लोग भी बचपन में बड़े शौक के साथ स्पीकर बिल्ले होते थे, वो लगाते थे, झंडियाँ लेके परचम लेकर घूमते होते थे। तो आप अपने बच्चों को इस चीज़ का बताएं कि हमारा इंडिपेंडेंट डे है, बच्चों से मोहब्बत करें, बच्चों को बताएं कि यार इसको पुरजोर तरीके से मनाया करें। आज के दिन के हवाले से हमारी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें मैं ये कहूँगा अपनी पूरी कौम को, बच्चों को, कि भाई बाजे बजाने से आज़ादी मनाई नहीं जाती, बाजे ना बजाएं, पुरसकून माहौल और पुरसकून तरीके से आप आज़ादी मनाएं। और मेरा पैगाम ये है कि सारी दुनिया को एक जैसा एक इक्वल होके रहें और इंशाल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत बांटें और ढेर सारी खुशियाँ एक दूसरे को दें बस। आज का जो शो था बहुत मज़ा आया है और उम्मीद यही करती हूँ कि हमें ऐसे शोज करते रहना चाहिए, एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, क्योंकि आपको आपको क्या आवाम को क्या नए से नए एक्टिविटीज़ देखने को मिलती रहती हैं। और जो हमारा है 14 अगस्त के हवाले से ये जी हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है और इसको जोश व जज्बे के साथ मना। माशाल्लाह जी आज तो बहुत खुशी का दिन है, आज से 75 साल पहले मुल्क आज़ाद हुआ था, आज हम देखो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, हंस खेल के वक्त गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इसी तरह आज़ाद रहे, जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ ब्यूटिशियन निशवा जो 14 अगस्त के जश्न आज़ादी म्यूजिकल अवार्ड शो में शरीक है पंजाबी कम्प्लेक्स काफी स्टेडियम में। तो इनसे जानते हैं ये पाकिस्तान के इस तारीखी दिन में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, रजा साहब का इवेंट है।